इसके लिए मैंने यहाँ पे काफी सारा पानी रखा है गरम होने के लिए। जैसे ही थोड़ा सा गरम होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक अच्छे से डालिएगा क्योंकि जो पास्ता अंदर से एकदम फीके होते हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल दूँ ताकि चीजें आपस में चिपके ना। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा पास्ता यूज कर रही हूँ, क्योंकि आज हम हेल्दी स्टाइल में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सूजी पास्ता, ये है 2 कप करीबन। इसको डाल देंगे पानी में और इसको अच्छे से उबलने देंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक ये मतलब बॉईल हो जाए, लेकिन ओवर कुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में ना बहुत सारे पास्ता मिलते हैं, ओट्स पास्ता, व्हीट पास्ता, सूजी पास्ता, जैसे मैं आज यूज़ कर रही हूँ बच्चों के लिए। आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पैकेट इंस्ट्रक्शंस में ना उसका टाइम देख लीजिएगा, बॉइलिंग टाइम जितना भी टाइम रहेगा उससे 1 मिनट कम ही पकाइएगा, क्योंकि हमको इसको ओवर कुक नहीं करना है। इसको कहते हैं आल दांते। ये देखिए जो मैक्रोनी पास्ता मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उसको पकने में सिर्फ 6 मिनट लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ, इसमें हल्की सी कसर अभी भी बाकी है, बस इतना ही रखना है। ओवर कुक करेंगे ना तो आगे जाके सॉस में आपका पास्ता पूरा टूट फूट जाएगा। जब इस स्टेज में आप आ जाएं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये जो पास्ता का स्टॉक है ना, इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है और स्टार्च भी होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा रिजर्व करके रख दूंगी करीबन 1/2 से 1 कप, और इसी से हम आगे अपने पास्ता को थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं छान लूंगी, और छानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आपको चाहिए तो नल के नीचे भी चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो कैरी ओवर कुकिंग है यानी कि अपने ही गर्माइश में पास्ता जो पकता है ना वो बंद हो जाएगा, और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे फैला के रख दीजिए। तो पास्ता तो बॉयल हो गया है, दूसरा हम बनाएंगे सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पे पैन में मैंने लिया है बिल्कुल थोड़ा सा तेल, इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन। इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम मेन एलिमेंट है इसमें। आपको चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे रफली चॉप, मतलब एकदम बारीक भी नहीं कटा हुआ है, थोड़ा सा कि मुँह में पीसेस आने चाहिए। और इसको पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए फ्रेंड्स, इसको डार्क बिल्कुल नहीं करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए, कच्चापन निकल जाए, बस उतना ही। ये देखिए थोड़े से सॉफ्ट होने लगे, हल्का सा कलर अभी बदलने ही लगा है, तो इस स्टेज में इसमें डाल दूंगी 1 कैप्सिकम जिसको मैंने इसे काटा है, थोड़ी सी मैं गाजर यूज कर रही हूँ, और थोड़े से कॉर्न्स। तो कॉर्न्स को ना मैंने पहले से बॉईल नहीं किया है, सिर्फ मैंने वॉश किया है जो मैं मार्केट से लेके आई थी, और इन सारी चीज़ों को टॉस कर लेंगे। तो आज मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास थी और जो मेरे बच्चों को पसंद है। आप चाहें तो यहाँ पे मशरूम डाल सकते हैं, चिकन के छोटे छोटे पीसेस डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, या फिर बॉयल अंडा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अब इसको क्या करेंगे, बस 1 मिनट ही और टॉस करेंगे, जो इसका बाइट और क्रंच है ना वो थोड़ा सा कायम होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और प्लस थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, बहुत ज्यादा चीज हमको नहीं लगेगी यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा सा चला लें। ये देखिए सब्जी हमारी रेडी हो गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, सब्जियों को साइड में रख देंगे। चलिए बना लेते हैं फटाफट से वाइट बेस चीज सॉस, लेकिन हेल्दी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसमें हम गरम करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे कम से कम 50 से 60 मैसेजेस आए कि यहाँ पे हम तेल यूज़ कर सकते हैं क्या, बटर अगर आप स्किप करेंगे तो चलेगा क्या। तो जी हाँ, यहाँ पे आप रेगुलर ऑयल जो भी घर पे आप बनाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आधा तेल और आधा बटर भी ले सकते हैं। ठीक है, और उतना ही हमको डालना है आटा, बस ये वही गेहूं का आटा है जिससे कि हम रोटी बनाते हैं, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून। मान लीजिए करीबन जितना तेल उतना ही आटा, और इसको टॉस टॉस करेंगे लो फ्लेम पे, जैसे कि इसमें भून जाए। इसका जो कच्चापन है ना उसको दूर करना एकदम इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो क्या करेंगे ना, वो जो कच्चापन होता है ना गेहूं का आटे का, वो आपके मुंह में आएगा और स्मेल आएगी। तो इसको अच्छे से भून लीजिए लो फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, नॉर्मली जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, बस वही समझ लीजिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे, ये देखिए तेल छूटने लगा है, थोड़ा सा गीला हो गया है बेस, तो बस अभी आटा अच्छे से भून गया है। तो यहाँ पे हम दूध नहीं डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 कप पानी। तो 1/2 कप पानी पहले डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 कप दूध। तो ये जो दूध है वो फ्रिज में से मैंने यूज किया है, रूम टेम्परेचर वाला दूध भी आप यूज कर सकते हैं।
इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको लगातार विस्क करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने विस्कर ले लिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो इसको लगातार डालते जाइए और ऐसे मिक्स करते जाइए, तो बढ़िया से आपकी क्रीमी व्हाइट सॉस बन जाएगी। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा पता ही नहीं लगेगा कि आपने बटर, मैदा वगैरह ये सब नहीं यूज़ किया है और सिंपली घर के तेल और गेहूँ के आटे से आपने ये सॉस बनाई है। तो ये हमारी हेल्दी रेसिपी बन जाएगी क्योंकि पास्ता भी हमने सूजी का ही यूज़ किया है। तो इसको मैंने पकाया और 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, मैं आपको इसकी थिकनेस अभी दिखाती हूँ। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है और एकदम स्मूथली पक गया है। ये देखिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें जब सब्जियां और पास्ता वगैरह भी जाएगा ना तो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस एकदम स्मूथ है, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी का है। तो ये एकदम परफेक्ट आपकी व्हाइट सॉस रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ओरिगैनो भी आप डाल सकते हैं और रेड चिली फ्लेक्स। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 1 चीज़ क्यूब ताकि हल्का सा चीज का फ्लेवर आ जाए। तो बस 1 क्यूब मैं यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कम ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको चीज़ नहीं यूज़ करना है ना, तो आप इसके बदले 1 टेबल स्पून घर पे कोई भी चीज़ स्प्रेड पड़ा हो, 1 स्लाइस चीज़ पड़ा हो, कोई ग्रेटेड चीज़ पड़ी हो, या फिर नहीं तो 1 टेबल स्पून मेयोनीज भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी मिक्स कर लेंगे जैसे कि अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। ये देखिए, स्मूथ क्रीमी गेहूँ से बनी हुई वाइट सॉस रेडी है। इसमें हम डाल देंगे जो वेजिटेबल्स हमने तैयार की थी और साथ ही बॉइल किया हुआ पास्ता, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि सारे पास्ता अच्छे से कोट ना हो जाए, लटपटा ना जाए बढ़िया से सॉस के साथ। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ता गाढ़ा हो रहा है, तो जो मैंने पानी रिजर्व करके रखा था ना स्टॉक, वो भी डाल देंगे और इसको मिक्स करके पकाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपको वेजिटेबल्स यहाँ पे नहीं डालना है ना, तो आप वेजिटेबल का पार्ट स्किप कर लीजिए, सिर्फ व्हाइट सॉस में आप ये बॉइल किया हुआ पास्ता भी डाल सकते हैं और ऊपर से चीज़ ग्रेट कर सकते हैं। तो बस इसको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। आप देख सकते हैं हर एक पास्ता बराबर अब पक गया है क्योंकि गर्माइश में अच्छे से पक गया है, अच्छे से लटपटा भी गया इस वाइट बेस के साथ। और इसमें अब थोड़े से अब मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग और रेड चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ सर्विंग करने से पहले, और इसको गर्मा गर्म आप सर्व करके इंजॉय कर सकते हैं।